तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों को बात करनी है, जैसा कि आप सभी लोगों को यहां पर मालूम है कि मोडासा से श्यामलाजी रोड के लिए एक रेलवे लाइन डाली जानी है, जो कि उदयपुर सेक्शन को जो है, या फिर अजमेर उदयपुर सेक्शन को जो है, अहमदाबाद ना जाते हुए वडोदरा से सीधे मुंबई वाले सेक्शन को जोड़ सकता है। और अगर इस रेलवे लाइन का निर्माण यहाँ पर कर दिया जाता है तो रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गुजरात का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो क्षेत्र है, और यहाँ के स्टेशन के ऊपर गर्दी भी काफ़ी देखने को मिलती है। और एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर पश्चिमी गुजरात, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात से ट्रेनें आकर के इसी पॉइंट पर मिलती हैं, यानी कि ये जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रश वाला है। और इसके अलावा कोई दूसरी और रेलवे लाइन भी नहीं है जिससे इस क्षेत्र को छोड़ते हुए ट्रेनों को आगे निकाला जा सके, यानी कि अहमदाबाद को बाईपास करते हुए कोई रेलवे लाइन निकाली जाए, ऐसे यहां पर अभी कोई भी कवायद नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, अगर इस रेलवे लाइन को यहां पर बना दिया जाता है तो जयपुर अजमेर से आने वाली ट्रेनें जो हैं उनको अहमदाबाद ना भेजते हुए उदयपुर के रास्ते सीधे इधर से मोडासा से होते हुए निकाल दिया जाएगा। अब मोडासा जो है दोस्तों आने वाले समय में जो है जंक्शन भी बनने वाला है, क्योंकि मोडासा रेलवे स्टेशन जो है ये एक जंक्शन इस तरीके से बनेगा, क्योंकि डूंगरपुर रतलाम सेक्शन के बीच में पड़ने वाला रेलवे स्टेशन बांसवाड़ा, उसे भी आने वाले समय में जंक्शन बनाया जाएगा जो कि सीधा मोडासा रेलवे स्टेशन से आके जुड़ेगा। और मोडासा से ही जो है दोस्तों गोधरा के लिए एक रेलवे लाइन और यहाँ पर निकाली जाएगी, जिसके बारे में अभी आप लोग देख रहे हो। दोस्तों, ये जो रेलवे लाइन है निकाली जाएगी, इसके ऊपर भी यहाँ पर सर्वे करने की जो बातें हैं यहाँ पर चल रही हैं, यानी कि चार रेलवे लाइन आकर के मिलेगी मोडासा के ऊपर, यानी कि आने वाले 10 से 12 सालों में मोडासा क्षेत्र का जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और न कोई परेशानी के चलते इस रेलवे लाइन को यहाँ पर सीधे सीधे निकाल दिया जाएगा। अभी बात करें दोस्तों सर्वे के अनुसार, तो मोडासा रेलवे स्टेशन का हालत आप देख रहे हैं कि मोडासा रेलवे स्टेशन की हालत यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गई कि आसपास में पूरा जंगल जंगल वाला क्षेत्र हो गया है। और सर्वे के अनुसार अभी आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं दोस्तों, ये दो रोड आप जो देख रहे हैं, अब आप इस मैप में देखिए कि जो दो पीली लाइनें आप लोग देख रहे हैं ये वही दो रोड हैं जिनको क्रॉस करके जो रेलवे लाइनें आगे जाने वाली थी। आप मैप के अकॉर्डिंग भी जो सर्वे पॉइंट है दोस्तों उसको यहाँ पर देख सकते हैं, एएमपी पॉइंट के आसपास से जो रेलवे लाइन है दोस्तों उसको यहाँ पर घुमा देना था, जो कि आगे इस लेक के बगल से यहाँ से निकलने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, सर्वे के समय में यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है इसको सीधा निकाला जाना था, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ 500 मीटर का जो क्षेत्र है वो पूरा कवर हो चुका है। अब यहाँ पर अगर इस रेलवे लाइन को बनाया जाएगा तो यहाँ पर रेलवे को, इन लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें सभी को शिफ्ट किया जाएगा, जो कि रेलवे को अब भारी नुकसान वाला जो मामला है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए जो दूसरा इलाज है दोस्तों वो यही है कि मोडासा से इस रेलवे लाइन को न निकालते हुए, और अगर निकाला भी जाए तो मोडासा में इसका लोको रिवर्सल दिया जाए, क्योंकि मोडासा जब इस रेलवे लाइन का, मोडासा श्यामलाजी रोड रेलवे लाइन का सर्वे जब उस समय किया गया तो ये वाला क्षेत्र ही जो है डेवलप था, ये वाला क्षेत्र जो है डेवलप नहीं हुआ था, जिसके चलते ये जो सर्वे है उसको सीधे रखा गया था, इस रेलवे लाइन को सीधे रखा गया था। लेकिन अब लगता नहीं है कि ये जो रेलवे लाइन है इसको यहाँ पर बनाया जा सकेगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्षेत्र भी यहाँ पर नहीं लगता है। और कमेंट में काफ़ी बार दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि श्यामलाजी रोड से ना निकालते हुए धनसुरा क्षेत्र जो इस सेक्शन पर पड़ता है दोस्तों, धनसुरा से ये जो रेलवे लाइन है रणासन होते हुए हिम्मतनगर तक निकाल दी जाए। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, बाय रोड ये जो रेलवे लाइन है लगभग 42 किलोमीटर की पड़ रही है, यानी कि अब इस रेलवे लाइन को अगर यहाँ पर डाला जाएगा तो रेलवे के खाते में कम से कम 37 किलोमीटर का तो यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसको यहाँ पर बनाने के लिए बनाया जाएगा। तो इस रेलवे लाइन को ऊपर ध्यान न देते हुए रेलवे ने इसलिए मोडासा से श्यामलाजी रोड को जोड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास का क्षेत्र दोस्तों यही है। अगर जोड़ना होता तो हिम्मतनगर को ही जोड़ते, क्योंकि हिम्मतनगर एक अच्छा खासा शहर है और बड़ी सिटी भी है और ऑलरेडी एक जंक्शन है, तो दोस्तों हिम्मतनगर को ही जोड़ा जाता, लेकिन जो स्ट्रेच है वो काफ़ी लंबा हो जाता, जिसके चलते इस रेलवे लाइन को हिम्मतनगर से नहीं जोड़ते हुए श्यामलाजी रोड तक जोड़ा जाएगा, जो कि आगे आने वाले समय में जंक्शन बन जाएगा। अब ये जो भविष्य है दोस्तों मोडासा का, वो सिर्फ भारतीय रेलवे के हाथों में है। अगर ये रेलवे लाइन यहाँ पर बना दी जाती है इस क्षेत्र को डाइवर्ट करते हुए,
तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है अगले 10 से 15 सालों में मोड़ासा क्षेत्र का हो जाएगा, और ये तो पूरी जो क्षेत्र की आबादी दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ भी जाएगी और डेवलप भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बांसवाड़ा से भी रेल लाइन यहाँ पर आने वाली है, गोधरा से भी रेल लाइन आने वाली है, चार रूट का ये रेलवे स्टेशन हो जाएगा, काफ़ी बड़ा जगह ये जो है रेलवे स्टेशन हो जाएगा अपने पूरे क्षेत्र में। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर अपडेट आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।